उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से सियासी तस्वीर से पर्दा उठना शुरू हुआ है, उससे अब सूबे की सियासी तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है। बहुत कुछ समझ आ गया है और बहुत कुछ अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है। लिहाजा तभी तो हैदराबाद से बाहर ओवैसी अपना सियासी वजूद बनाने को हाथ पांव मार रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच गई। प्रियंका गांधी वाड्रा का शुक्रवार दोपहर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बधाई दी और गाड़ियों का एक लंबा काफिला उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ गया। इसके बाद रास्ते में फूलों, गुलदस्ते और नारेबाजी कर प्रियंका का स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यालय पहुंचने से पहले महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंची प्रियंका गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में ही ठहरी है। अपनी मां मेरी दादी के कॉल हाउस में रहकर प्रियंका गांधी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे में कांग्रेस की जीत की रणनीति तैयार करेंगी। राजधानी के इस कॉल हाउस में ठहरने के बाद प्रियंका को हर पल अपने पुरखों के बीच रहने का एहसास प्रतिपल होता रहेगा। लिहाजा इस कॉल हाउस में ठहरने के बाद प्रियंका गांधी को आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी आत्मबल के साथ कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी तैयार करने के लिए बेहद मजबूत आत्मबल मिलेगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी के सियासी रहनुमा बनने की ख्वाहिश लिए निकले ओवैसी ने अपने इरादे यह कहकर जता दिए कि वे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ को इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने जिस अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा किया, उसने इस इलाके में बाकी दलों की पेशानी पर सियासी लकीरें खींचती है। ओवैसी के पहुंचने पर एआईएम के कार्यकर्ता नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यह वही इलाका है जहां किसान आंदोलन के चलते भाजपा की हालत पस्त है। पश्चिमी यूपी अखिलेश की एसपी के साथ साथ मुसलमानों का साथ आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस को भी मिलता रहा है, लेकिन ओवैसी इस बार इन जगहों पर मुस्लिम मतों को छीन कर अपने पाले में कर सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अग्नि परीक्षा में कूदने के लिए सभी दलों के रहनुमाओं ने तैयारी कर ली है, लेकिन यह राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले प्रियंका का लखनऊ में डेरा और ओवैसी का पश्चिमी यूपी में निशाना आगामी दिनों में सूबे की सियासी दशा और दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।